होते थे, मां माटी और मानुष का नारा देने वाली दीदी जब तीन तीन बार बंगाल की जनता मुख्यमंत्री बनाई, तब अब तीसरी बार सुधरेगी, वो सुधर जाएगी, ऐसा हम मानकर चलते थे। एक साल तक राह दिखा बंगाल के लोगों, बताइए आज बंगाल के अंदर अत्याचार कम हुआ है क्या? जोर से बोलिए, हुआ है क्या? कटमनी बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार बंद हुआ है क्या? सिंडिकेट का राज बंद हुआ है क्या? भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या बंद हुई है क्या? ममता दीदी, तीन बार आपको चुनाने के बाद भी आप नहीं सुधर रही है। आप ये मत सोचना कि भाजपा वाले लड़ेंगे नहीं। मैं आज यहां उत्तर बंग की भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक आप बंगाल की जनता पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, कटमनी और सिंडिकेट का राज समाप्त नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ अपनी लड़ाई चालू रखेगी और उसको परिणाम तक हम पहुंचाएंगे। आप क्या सोचते हो कि बंगाल के गरीबों का अधिकार आप लूटोगे और भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी? संभव ही नहीं। हम तो मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला का स्वप्न लेकर बंगाल के अंदर निकले हैं।